इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस द ऑफ डीएनए जिस तरह डीएनए डीनेचर हुआ था उसकी दोनों स्ट्रेंड अलग हो गई थी इसी तरह अगर उसका टेम्परेचर वापस ले आए या उसकी पीएच वापस ले आए तो वो जो अलग अलग दो स्ट्रैंड हुई हुई हैं वो आपस में मिलकर दोबारा रीनेचर हो जाएंगी अंडर अप्रोप्रियट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड सोल्ट कंसनट्रेशन सेपरेटेड स्ट्रेंड्स ऑफ विल रीनेचर और री एंड फॉर्म द डबल दबल हिल द प्रोसेस कॉल्ड री नेचरेशन और री अनिललिंग अब ये जब हम उसका टेम्परेचर वापस ले आए तो उसकी सॉल्ट कंसनट्रेशन ठीक कर दी तो वही अलग अलग जय्स वो आपस में जुड़ गई और दिस इज नोन्ज री नेचरेशन और रीअलिंग दिस रीअलिंग प्रोसेस इज ऑल्सो रेफर्ड एज हाइब्रिडाइजेशन कि ये इसको हम हाइब्रिडाइजेशन के तौर को भी, भी इसे कहते हैं कि दोनों जो है डिफरेंट स्ट्रेन पड़ी हुई है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर मिलकर उसका हाइब्रिड बना दिया उन्होंने टेम्परेचर और पी एच इज रिटर्न टू द रेंज इन विच मोस्ट ऑर्गेनिजम्स लिव द दें और अनवाउंट सेगमेंट्स ऑफ द टू स्ट्रेन स्पॉन्टेनियसली रिवाइंड टू जील डुप्लेक्स अब जिस टेम्परेचर और पीएच पे ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है अगर वही टेम्परेचर दे दें इन इन टेस्ट ट्यूब भी हम वही टेम्परेचर उसे दे दें और वही कंडीशन दे दें और दो स्ट्रेंस अलग अलग डाली हो तो आपस में जोड़ के दोबारा उसको जो है ना वो री अनिलल कर देती हैं और अनिल कर देती हैं और इंटेक्ट डुप्लेक्स और लेडर टाइप जो है वो बन जाता है डी एन ए विच इज़ नोन एज रीनिस्ट्रेशन वी कैन सी ईयर कि अगर ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का अब जहाँ हमने टेम्परेचर चेंज किया या पीएच चेंज की तो ये डी नेचर होते होते या आहिस्ता आहिस्ता ये हम देख रहे हैं यहाँ से बॉन्ड टूटते जाएंगे बॉन्ड टूटते टूटते ये पार्शली डी नेचर डी एन ए बन गया और अल्टीमेटली एक स्टैंड इधर आ गई और एक स्टैंड इधर आ गई यहाँ दो सेपरेट हो गई अब हमने क्या किया दिस सेपरेट स्टेंज ऑफ डी एन ए इन रेंडम क्वाल पड़ी हुई हैं या हम दोबारा इसको इसको साल्ट कंडीशन या पीएच कंडीशन या जो भी टेम्परेचर कंडीशन वापस ले आते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़नी शुरू होंगी और अल्टीमेटली अनिल होके या री अनिल होके ये दोबारा दोनों आपस में जुड़ जाएंगी एंड दिस इज नोन एज रीनेचुरेशन ऑफ डी एन ए रीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इज ए रेपिड वन स्टेप प्रोसेस की वहां हमने कहा था कि डी नेचरेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होती है पार्शल डी नेचरेशन होती है जो ज्यो टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को हमने टीएम बोला था उस उसपे हाफ ऑफ द डुप्लेक्स जो है वो डी होता है लेकिन जब कंडीशन वापस मिलती हैं तो ये दो स्टैंड जो अलग अलग, अलग पड़ी हैं ये फॉरन आके तरह वन स्टेप प्रोसेस है ये एकदम मिलकर दोनों एक डुप्लेक्स बना देते हैं द रेट ऑफ एसोसिएशन री एसोसिएशन डिपेंड्स अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ दी कॉम्प्लीमेंट्री स्टेंड्स अगर बहुत सारी स्टेंड्स पड़ी हुई हैं दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो रीनेचर नहीं हो सकती क्योंकि हमें पता है एडनिन ने थान के साथ और साइटोसिन ने गोअ के साथ मिलना है तो जितनी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री स्टेंड्स पड़ी होंगी उतने ही जल्दी उसका रेट ऑफ रीअसोसिएशन और रेट ऑफ अनिल डिपेंड करता है एट अ गिवन टेम्परेचर एंड साल्ट कंसनट्रेशन अ पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड स्ट्रेन विल एसोसिएट टाइटली ओनली विद द कॉम्प्लीमेंट्री स्टेंड क्योंकि जब टेम्परेचर और साल्ट साल्टन वापस आ गई कंडीशन वापस आ गई तो सिर्फ उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टेंड जो है उसी के साथ वो तो मिलेगा ये नहीं हो सकता कि जी जो है वो ए के साथ जाके मिलना सीक्वेंस के साथ मिलना शुरू हो जाए उस हमेशा सी के साथ ही मिलना है हमने ये डिफाइन किया था रूल शर्ग रूल में दिस प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज इन एनालाइजिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग ऑफ अ गिवन न्यूक्लिक एसिड अब हम इसको अनिल रीअनि डी नेचर री नेचर डी नेचर री नेचर, नेचर करते हैं बार बार पीसीआर प्रोडक्ट बनती है अल्टीमेटली हम वहां से इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं फॉर एनालाइजिंग पर्टिकुलर सीक्वेंस डी एन ए अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन डी एन ए विल फॉर्म अ हाइब्रिड विद अ कम्प्लीमेंट्री डी एन ए कॉम्प्लीमेंट्री आर एन ए कुछ कंडीशन में ऐसे है कि डी एन ए जो है ना वो किसी आर एन ए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री आर एन ए के साथ मिल गया या डीएनए किसी और डीएनए के साथ मिल गया जो उसका इनिशियल सीक्वेंस नहीं था और वहां जाके जो है ना एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टेंट के साथ मिल गया और हाइब्रिड बन गई एक एक तरह का डीएनए दूसरा दूसरे का डी एन ए और वह दोनों मिलकर हाइब्रिड जिसको हमने कहा था कि इसको हमें हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं दिस हाइब्रिडाइजेशन इज कम्बाइंड विद जेल टेक्निक दैट सेपरेट न्यूक्लिक एसिड बाई साइज अब ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई कॉम्प्लीमेंटरी डी एन ए मिल गया अब हमने इसको अगर क्वांटिफाई करना है हमने इसको देखना है तो इसको हम जेल के ऊपर जो है रन करेंगे एग्रोज जेल के ऊपर उसमें हम थोड़ा सा बफर के अंदर थोड़ा सा जो है करंट पास करते हैं तो अपने चार्जेस की वजह से डीएनए मूव कर देता है तो जितना बड़ा डीएनए होगा अकॉर्डिंग टू साइज वो मूव करेगा तो उसी तरह उसके बैंड जो है ना वो उसके ऊपर इलेक्ट्रोफ्रीसिस नजर आएंगे एंड दिस हाइब्रेडिस और दिस इलेक्ट्रोफ्रिस कपल्ड विद रेडियो एक्टिव और फ्लोरसेंट प्रोब लेबलिंग टू प्रोवाइड अ डिटेक्शन ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अगर हमें सीक्वेंसिंग करनी है तो हम इसी को जो है ना हाइब्रिडाइजेशन को या इसी जो है ना अनिलीलिंग को या पी सी आर प्रोडक्ट्स को उसके ऊपर रेडियो एक्टिव प्रोब्स या रेडियोएक्टिव डाइज या फ्लोरसेंट प्रोब्स लगाते हैं टू ईजट दी सीक्वेंसिंग ऑफ द डी एन ए मोलिक्यूल के किसी डी एन ए मोलिक्यूल की सीक्वेंसिंग जो है वो हाइब इसी अनिलीलिंग के साथ हम जो है ना उसकी क्लोरेसिन लेबल और रेडोएक्टिव लेबलिंग के साथ इसकी सीक्वेंसिंग भी हम कर सकते हैं